evening, welcome to the Educators at Clean Campus online classes. Today is second quarter, second week for the grade 6. Assalamu alaikum students, I hope all of you will be quite well. We are working on the chapter 2, natural numbers and whole numbers. And the topic of the day is identity property of addition. I hope you have done the previous day's task. Previous day we have learned about associative property of addition, and with the hope that you have completed your task, I'm going to start the today's work, that is identity property of addition. First of all, we have learned about commutative property, then associative property. Now this is the third property of addition, that is identity property of addition. It's very simple, students. Just your attentions are required. The sum of zero and any number, the sum of zero and n number is that number. Means to say, अगर हम जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो जो सम आता है वो एक्चुअल में वही नंबर होता है. ठीक है, अगर हम जीरो को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो जो सम हमारे पास आता है, एक्चुअली द सम इज दैट नंबर. लेट्स हैव एन एग्जांपल्स, हैव एग्जांपल्स फॉर यू स्टूडेंट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जीरो प्लस फोर इज इक्वल टू zero, because zero is no quantity. So when we add zero to four, the quantity of four does not change. हमने zero को add किया four में, अब zero का मतलब है no quantity. ठीक है, zero have no value, so we will know that the quantity of four does not change. Four will remains again four. Students, coming back to your concept, कि अगर हम जीरो को द सम ऑफ जीरो एंड एनी नंबर, किसी भी नंबर और जीरो का सम जो है, यानी कि ये कोई भी नंबर है और ये जीरो है, अगर हम इनका सम करेंगे तो इज दैट नंबर. तो जो सम आएगा वो एक्चुअली में वही नंबर होगा जिसमें हमने जीरो को ऐड किया है. ठीक है, अगर हम जीरो में अगर हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो जो उनका सम आता है वो एक्चुअली में वही नंबर होता है जिसमें हमने जीरो को ऐड करने की कोशिश की होती है. राइट, सो वी हैव अनदर एग्जांपल फॉर यू. हियर इज 6 + 0 इज इक्वल टू अगेन 6. यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस मैंने क्रिएट किया है स्टूडेंट्स. इफ यू राइट 0 बिफोर द नंबर और यू विल राइट 0 आफ्टर द नंबर, द सम विल रिमेन्स अनचेंज. ठीक है, 0 को पहले लिखने में या 0 को बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन रिमेन्स द सेम. और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हैव द सेम कॉन्सेप्ट फॉर आइदर यू पुट द जीरो बिफोर द नंबर और आइदर यू पुट द जीरो आफ्टर द नंबर. 0 + 7 इज इक्वल टू अगेन 7, एंड इफ वी ऐड 10 + 0, इफ वी ऐड 10 टू 0 द नंबर विल बी 10, और इफ यू ऐड 0 टू 90 द नंबर विल बी अगेन 90. कमिंग बैक टू योर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, द सम ऑफ 0 एंड एनी नंबर इज दैट नंबर. किसी भी नंबर का नंबर और जीरो का जो सम है वो एक्चुअली में वही नंबर होता है जिसमें आपने जीरो को ऐड किया होता है. आई होप यू स्टूडेंट्स गॉट द आइडिया ऑफ द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. सो प्लीज मस्ट प्रैक्टिस दिस प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बाय हैविंग सम अदर एग्जांपल्स फ्रॉम योर माइंड ऑन योर नोटबुक्स. सो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.